इनके मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से वेरी करते हैं और क्यों करते हैं, उसका रीजन मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल को देखूं, मतलब ये जो पूरे ट्रांजिशन मेटल्स को देखूं, तो उनके वेरिएशन में अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो ये है मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ। इस ग्राफ से साफ दिखाई दे रहा है कि चोटी पर कौन है, चोटी पर है चोटी, चोटी पर कौन है टंगस्टन। सो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर कोई पूछे कि विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो टंगस्टन है। आपको पता है टंगस्टन के इसीलिए फिलामेंट बनाए जाते हैं। लट्टू देखें, लट्टू हम पंजाबी में लट्टू बोलते हैं, बट ओवरऑल बल्ब कहा जाता है। किस किस ने देखा है बताओ, किस किस ने बल्ब देखा है, बल्ब देखे हो तुम लोग, देखा होगा। तो यहां पर आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो बल्ब होते हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन के ही हम लोग फिलामेंट डालते हैं जिसको हीट किया जाता है, ठीक है, और हीट की वजह से ही वो ग्लो करते हैं। समझ में आ गया, उनकी चमक क्यों आती है, क्योंकि बहुत एक्सेसिव हीट हो गया, वो हीटअप होने की वजह से वो ग्लो करने लगते हैं, है ना। और अगर और कोई मेटल होता तो इतनी हीट में तो पिघल जाता, लेकिन टंगस्टन पिघलता नहीं है और वो ग्लो करने लगता है, इसलिए टंगस्टन को यूज करते हैं। सबको समझ में आ गया, तो ये है जिससे मेरी अब ये स्किन ग्लो कर रही है ना, ये इधर भी ऐसी लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछूं तो ये देखो अपनी अपनी सीरीज में यही टॉप पर है। अगर आप यहाँ पर बात करो कि ये जो आप ये 3D सीरीज है उसमें टॉप पर कौन है, तो क्रोमियम। 4D सीरीज में टॉप पर कौन है, मॉलिब्डेनम। और 5D सीरीज पर टंगस्टन, और ये ऊपर नीचे ही आते हैं, क्रोमियम के नीचे आता है मॉलिब्डेनम, मतलब उस हिसाब से कैसे सीरीज में है ना। तो क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के नीचे आता है टंगस्टन, सीरीज के हिसाब से बोल रहा हूँ। और मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखें तो टंगस्टन टॉप पर है, समझ में आ गया, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। अब कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाता हूँ कैसे, ये जरा ध्यान से इसको चेक करना। अभी तुम सीरीज पढ़ के आए थे, देखो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, अब आप इसको ध्यान से देखना, क्रोमियम के नीचे कौन है, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के नीचे कौन है, टंगस्टन है कि नहीं, है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन है, और ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ये तो ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। इज दिस क्लियर, एक सेकंड में बल्ब बना के दिखाता हूँ। अपना ये बल्ब खराब हुआ तो देना एक बार, चलो तो अब मैं आपको बल्ब दिखाता हूँ, अगर मेरे पास घर पे पड़ा होगा तो मैं दिखाता हूँ टंगस्टन। सबको याद हो गया, तो ये ध्यान रखना कि टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, अब जरा हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह सब देख ली हमने कि ये काफी ज्यादा, और सोनरस भी होते हैं। सोनरस का मतलब, आपने कभी घंटियां देखी हैं, तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टन टन टन, वो जो टन 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 होता है वो सारे मेटल्स ही होते हैं, आपको पता है, तो वो सोनरस होते हैं, मतलब काफी अच्छी आवाज आती है उसमें, टन टन। जो मंदिरों में घंटे लगे रहते हैं वो आयरन के होते हैं शायद, आयरन के होते क्या होते हैं, बट काफी सोनरस होते हैं, अच्छी खासी आवाज आती है, सो देयर इज अ गुड साउंड, ठीक है। चलो सो अब हम लोग आगे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का हमने समझ लिया, ठीक है। सो फाइनली अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इन दैट केस एक और बात समझ लो। सबसे पहले अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, आप देखो यहाँ पर स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, जरा देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अचानक से कम हो गया। ये एक एक्सेप्शन है, ये जो मैंगनीज है ना, दिस इज एन एक्सेप्शन जिसमें अचानक से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब हालांकि अगर कोई पूछे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि इन सबके पास है, टंगस्टन बोलो, मॉलिब्डेनम बोलो, क्रोमियम बोलो, उनके पास डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सामने वाले मेटल के 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, समझ में आ गया, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज मैंगनीज। मैंगनीज इज द एक्सेप्शन जहां पर कोई थ्योरी काम नहीं कर रही है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। जहां पर इंसान अपनी थ्योरी काम ना करवा पाए वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सेप्शन। समझ में आ गया, तो यही है और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इनके सबके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से यहां पर D5 D5 एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड्स बन जाते हैं।